नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा, हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न फरमा। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर, तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ऐ अल्लाह, अपने रहम करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी सरजमीन पाक को हर बुराई से पाक कर दे और हमारे मुल्क को सारी दुनिया में इज्जत और शौकत अता फरमा दे और पाकिस्तान को सही माना में इस्लाम का मजबूत कला बना दे। हमें, हमारे वालिदैन, हमारे अहल वयाल और तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारी कब्रों में वहशत के वक्त एक रफीक अता फरमा दे और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखियो। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान और दिल इस बात की शहादत दे रहे हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमारी दुआ कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।